पप्पीज मिल चुके हैं। हेलो आजा। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भर प्रणाम। स्वागत करती हूँ आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी इस ठंडी सी मध्वेश्वर घाटी में, अपने भटवाड़ी गांव में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, एक और नए दिन की शुरुआत कर लेते हैं। बैकग्राउंड में देखो ट्रक का कौन सा साउंड बज रहा है, बंद हो गया अब तो। आज जैसे कि आज मकर संक्रांति है, पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति के दिन होता है ऐसा है कि पतंग उड़ाते हैं ज़्यादातर लोग, पंजाबी का ज़्यादातर त्यौहार होता है। हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत इस त्यौहार को अटेंड करते हैं, पर पतंग वगैरह हमारे यहाँ नहीं उड़ाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना पंजाबी लोग, बाहर के लोग इसे अटेंड करते हैं। हम मतलब बाहर के लोग तो ज़्यादातर इसे अटेंड करते रहते हैं। तो अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। जो कुछ भी आज कैप्चर होगा मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मुझे अभी मार्केट के लिए निकलना है और सीधा 5:30 बजे के बाद ही आना पॉसिबल होगा। उसके बाद अगर कुछ कैप्चर कर पाती हूँ तो ठीक है, नहीं कर पाती हूँ तो देखती हूँ क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। पप्पीज मिल चुके हैं। हेलो आजा। अरे कहाँ भाग रहा, डर मत, आजा आजा जा रहा। अरे कहाँ, अरे डर ना के यार के कजिन जी। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और टाइम 5 बज चुके हैं, और जैसे कि आपको पता है सुबह निकल जाती हूँ और शाम को निकलती हूँ। अभी 5 बज चुके हैं और इसके बाद 5:30 बजे का रात पड़ जाती है। तो ब्लॉग तो अभी तक कुछ देखा नहीं मैंने, मतलब हो नहीं पाया। तो आगे आगे देखते हैं ब्लॉग क्या होता है। उससे पहले थोड़ा बहुत बाहर की लोकेशन दिखा देती हूँ। तो अभी दोस्तों हमारी नाच भरी हुई रोटी बना रखी है। हमारी भाषा में से मशीना रोटी बोलते हैं, मशीना रोटी दाल की रोटी होती है ये। अभी इसमें मैंने घी भी रखा हुआ है, तो इसके अंदर मम्मी ने दाल रखी हुई है, मतलब मिश्रणा रोटी बोलते हैं। तेल भी लगाते हैं काफी लोग, पर हमने नहीं लगाई हुई है। तो मेरी मम्मी खा रही है, अब मुझे बुला दिया गया है तो मैं भी खा लेती हूँ। और हमारी डुग्गू ने भी खाना खाया बच्चा, एक रोटी खाई। नानी ने तो खा लिया है, नानी बात कर रही है, पता नहीं किसे कर रही है। तो मम्मी खा रही है। मम्मी कुछ बताना चाहोगे मिश्रणा रोटी के बारे में? अच्छी बन तो अपनी रोटी को कौन तारीफ करता है भाई? आरती बड़े तारीफ। वो छोड़ो, ये बताओ मिश्रणा रोटी बनती कैसे कैसी है, ये प्रोसेस बताना। भरी हुई रोटियाँ पहले दाल उबालते हैं, दाल उबालते हैं, फिर उसको सिलबट्टे में पीसते हैं, फिर उसमें नमक मिर्च पीस के मिक्स करते हैं, उसके बाद आटा गूंथते हैं, रोटी अंदर रखते हैं। तो दोस्तों मेरी माता जी की बात सुननी होगी, और ये मत बोलना क्या सोल के ढकी हुई, ठंड बहुत है ना हमारे पहाड़ों में। तो अभी दिन भर तो ब्लॉगिंग करने का मतलब टाइम मिला नहीं, अभी रात को वो भी बैठे हुए हैं और नानी जी ने खा लिया, मम्मी जी ने खा लिया, मैं अब खाती हूँ रोटी। तो देखो तो बेटी ने नहीं खाया, नहीं मम्मी खानी है गरम गरम रोटी, बेटी दे तो इधर भाग रही है। तो क्या करें, वर्क है, करना पड़ता है हर टाइम पे, तो बहुत से काम होते हैं मेरे। तो अभी अब टाइम मिला है खाना खाने का, और नानी जी से कुछ सवाल करेंगे कि पहले ज़माने में कौन कौन सी चीज़ें होती थी जो अब नहीं खाते हैं। नानी जी नानी पे लग के क्या हुआ, जो अब नहीं खाना, मतलब पे लाजा मना के क्या बढ़ दछु यार चीज जो अब नहीं बढ़ती। बाढ़ होनी बढ़ना नू, हाँ तो चुप रह लो। बाढ़ होने बढ़ना ना, बटवड़ी नहीं बढ़ना ना, लती बोल लती बोल बोल ना ना नहीं बोल। ये तो देख ली बड़ी वाला रोटी बनाऊं सावा, हाँ लोन पिन सोचा, हाँ या सारे रोटी बनाई, बटवानी बनायो, कोनी जंगल बनायो, दाल ने छा छोटा छछड़ी बनाऊंचा, मतलब पक्या चूमा कि काच चूमा काच चूमा छांद लाई था खाने चा अच्छा अच्छा तो मिठू तो ते को तो टेस्ट नहीं होनो बोल नॉन मिर्च भी ना चले मैं अच्छा गोटो बनाए हाँ अच्छा। तो देखिए ये अगीठी आराम से जल रही है
जिसे ठंड हो रही है वो यहाँ आ जाइए आराम से। आजकल हम बाहर के किचन में आग जला के मस्त आग ताप रहे सुबह शाम, और मम्मी जी भी यहाँ पे मिसरी रोटी का आनंद ले रही है। मिसरी रोटी बोली तो दाल भरी, मतलब दाल को भर कर जो रोटी बनाई जाती है। अरे मेरा डुब्बू दब गया, मेरा डुब्बू दब गया। अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ, अभी बनाते वक्त नहीं दिखा पाई, आई एम सो सॉरी, आगे दिखाऊंगी आपको। तो अभी खाना खा लेते हैं, आप भी जरूर आना मेरे यहाँ मम्मी के हाथों की मिसरी रोटी खाने के लिए। और अगर मेरे हाथों की फरमाइश होगी तो मैं ये दोनों अचार डिस्कस कर रहे हैं इधर उधर का, मेरी बात को तो कोई सुन ही नहीं रहा है। मम्मी और बताइए, तेरी यूट्यूब फैमिली सुनेगी यार? तुम बोल ही रहे हो मेरी यूट्यूब फैमिली के सामने, तो यूट्यूब फैमिली को सुनने का पूरा हक है। क्यों? तो पहले मम्मी आज सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दो। रोटी खाने वाला मुझे क्यों रोटी खाते वक्त नहीं देते हैं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं? ये बताओ हमारे यहाँ मकर संक्रांति को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, आपने बताया मम्मी कुछ? अरे तो मकर संक्रांति आज बोल रही सुबह में बोलो लिया बाना बलन। तो दोस्तों ऐसा है ना कि सुबह उठते हैं, जितना मुझे सुबह में घर रही उतना मुझे इतना पता है, मकर संक्रांति के दिन सुबह उठते हैं, थोड़ा दिया दुआ लगाते हैं, नहाते हैं, मतलब पूजा वगैरह करते हैं। तो कुछ पकवान वगैरह बनते हैं मम्मा? खिचड़ी बनती है, घी खिचड़ी बनती है। हमने तो बनाई नहीं, हमने बस मूंगफली खाई और वो रूड़ी वगैरह वो होते हैं वो खाए, वो भी दिखा नहीं पाई, मतलब मम्मी लोगों को दे दिए थे, मम्मी लोगों ने खा ली थी। यहाँ पे बाहर पे खा रहे थे तो मैं थोड़ा कुछ काम कर रही थी तो नहीं आ पाई यहाँ बाहर पे, तो हमने मिश्रा रोटी वो खा लिया। ये भी काफी अच्छी डिश है पहाड़ों की। अच्छा तो कुछ स्पेशल ऐसे ही क्या की मिश्रा रोटी बनाई है आज स्पेशल डे पर? और मूंगफली वगैरह रोटी वगैरह ज़्यादा बाहर लोग इसे ज़्यादा पतंग वगैरह उड़ाते हैं ऐसा कुछ करते हैं, हमारे यहाँ इसे शायद से घुगुती कुछ ऐसा बोलते हैं ना, घुगुती था पर मुझे नहीं पता, अगर बुआ देख रही तो बुआ को पता होगा, बुआ कमेंट करना। अगर हाँ एक दिन मैं बुआ के यहाँ जाऊंगी, बुआ के बुआ बहुत सारी डिशेज बनाती है तो बुआ आएंगे, तो बुआ जल्दी तो बुआ जल्दी से आप आ जाओ, आप इन्वाइट हो जल्दी। मेरा बर्थडे भी आने वाला है तो आपको मेरे बर्थडे में भी आना है, उस दिन आपको कोई भी बहाने नहीं करना है। तो अभी थोड़ा लेट है तो अभी आप थोड़ा तब तक की तैयारी कर लो, और एक दिन मैं बुआ के यहाँ पे भी जाके बुआ की बहुत सारी, मेरी बुआ ना बहुत सारी डिशेस बनाती है और भी 2 मिनट में बनाती है, और बहुत अच्छा मिठाई ले लो कुछ भी ले लो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनाती है, उतना तो मेरी मम्मी भी नहीं बनाती। अब तो नहीं बनता हमें तो माँ खा दो खाना खाना तब टेस्ट को बढ़ी नहीं लाभदायक होता है। असल झूठ का भगवान जाने में पहन रहे कि लोग इसे, अभी जैसे मेरे यहाँ पे नानी आपको पहले का एग्जांपल है, तो नानी कह रहे हैं जो ये धूड़े पे मतलब इसे क्या बोलते हैं रखे बोलते हैं जो ये रोटियों पे लगे रहते हैं ना, ये भी काफी मतलब क्या होता है, इससे कोई बीमारी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है ना शायद? सब मतलब सारे जो पेट के रोग हैं वो कम हो जाते हैं, तो आजकल के लोगों को कम बोला जाएगा कि कम होते हैं, और पहले के लोगों की बीमारियां नहीं होती थी इस कारण। तो ऐसी रोटी चूल्हे की रोटियां किस किस ने खाई है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना, और जिसे खानी है वो आके जरूर खाइएगा। तो अभी हम मैं भी खा लेती हूँ, मम्मी लोगों ने खा लिया मैं भी खा लेती हूँ, लोगो हम दोनों खाएंगे। ओके घ्यों भी तेरे कुकर में भी और पड़ तो यहाँ पर छोटा बच्चा मम्मी का फोन पकड़ कर उसे चलाने में खुश हो रहा है, और मम्मी उसका फोन चलाने में खुश हो रही है। देखो दोनों ने फोन एक्सचेंज कर लिया। फिर से क्या हुआ क्या बच्चो? हेलो गाइस कैसे हो आप? हाँ तो फोन सुनो, फोन सुन बंद की। कैसे हो आप? आप ठीक हो? वो मम्मी का फोन चला रहा था, बजा रही वो हंस रहा है, से बोल मते मुझे खुश हो। हां फिर
ये हमारा चिट्टू बच्चा। ऐसे वाला भी कर, ऐसे वाला, ऐसे वाला भी कर। पतली कमरिया वाला गाना बोल रहे हैं।